स्मार्ट जनरल नॉलेज में आपका स्वागत है। 22 अगस्त का इतिहास। 22 अगस्त 2017 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक की इस्लामी प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 22 अगस्त 1649 को तमिलनाडु में मद्रास शहर की स्थापना हुई थी। समाज सुधारक, राजनीतिक विद्वान, लेखक रामस्वरूप वर्मा जी का जन्म 22 अगस्त 1923 को कानपुर देहात में हुआ था। रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ की स्थापना 1 जून 1968 को की। 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री रहने के दौरान उन्होंने 20 करोड़ लाभ का बजट पेश किया था। रामस्वरूप वर्मा जी लगभग 50 साल तक राजनीति में सक्रिय रहे। रामस्वरूप वर्मा को राजनीति का कबीर भी कहा जाता है। 22 अगस्त 1864 को इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की आधिकारिक स्थापना हुई थी। 1901 में हेनरी डुनंट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना की और शांति के प्रयासों के लिए 1901 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 अगस्त 1921 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनीतिक चिरंजीवी का जन्म 22 अगस्त 1955 को हुआ था। नीलम संजीवा रेड्डी ने 22 अगस्त 1989 को लोकसभा भंग करने की घोषणा की। इसके बाद मध्यावर्ती चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री बनी। फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक, नाटककार पूर्व मित्रा का जन्म 22 अगस्त 1915 को हुआ था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग्स का निधन 22 अगस्त 1818 को हुआ था। 22 अगस्त 2018 में राही फर्नोबत 25 मीटर निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 22 अगस्त 1932 को बीबीसी ने पहली बार एक्सपेरिमेंटल टीवी प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया था। इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉन बेयर्ड ने डिजाइन किया था।